हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हाँ। आप भी बहुत ख्वाबज़दा हूँ जो अपने अल्लाह से और तुमसे वहां तक के अनस से भी कोई शिकायत नहीं है। रुक! किसके साथ शादी वाले दिन भाग रही थी? अरे बाजी ऐसा नहीं मानेगी। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस के पास चलते हैं। ये जो इस घर में हो रहा है वो गैर कानूनी है। वो दोनों लड़कियां बालिग हैं और उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फिर देखता हूँ उस कामरान को और जबी रखकर को भी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें उन लड़कियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आयशा का निकाह है, सोचो वहां पुलिस आएगी तो कितनी बदनामी होगी। भाई मैं तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरा बेटा शहजादा लग रहा है। क्यों बे शबी, आज तो बड़ी खुशियों का दिन है, मेरा बेटा दूल्हा राजा बना है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अम्मा खूबसूरत तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो खूबरू होते हैं। खबरदार जो आज भाई को छेड़ा तो, और वो बहन भाई वाली वो रस्म अदा करो ना। कौन सी? अरे सुरमे की, सुरमा लगाओ इसे। अच्छा क्या जरूरत इसकी माँ? अच्छा इमाम जामन दो। हाँ नजर ना लगे ना। अम्मा इसकी क्या जरूरत है, आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे नजर क्यों लगेगी? देख लो शब्बीर, ये है आजकल के लड़के। जरा देखो तो मेहमान आ गए और मौलवी साहब आ गए हो ना, तो निकाह की तैयारी करो। शहजादा लग रहा है शहजादा। नजर ना लगे, चलो आओ मेरे साथ आओ। हाँ नहीं ऐसे करते हैं कि ऑफिस में मिलते हैं, उसके बाद तुम अपना अकाउंटेंट भी ले आना, मैं मेरा भी अकाउंटेंट होगा वहाँ पे, तो फिर कुछ कर लेते हैं। ठीक है हाँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू। ओके चल ठीक है, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये तुम कहाँ से आ रहे हो? मामा बस दोस्तों में थे, सॉरी लेट हो गए। यार तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, तुमको पता है शादी पे जाना है। जाना है ना? हाँ 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 जाना है, जाएंगे जरूर जाएंगे। हम बस फ्रेश होके आते हैं, चले भाई। मैं नहीं जाऊंगा। राइट ओके चलो फिर हमें चलना होगा। आप तैयार हो जाएं, बेटे अहमद आप भी तैयार हो जाएं, हम चलते हैं शादी। अम्मी हमारे लिए तो यही बहुत है ना कि आप ही इसी घर में रहेंगी, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेंगी। पता नहीं मेरी बच्चियों को किसकी नजर खा गई, सामने से हालत पैदा हुए, क्यों मैं इतनी बेबस और मजबूर हो गई। माफ कर देना मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अम्मी आप क्या कह रही, बेटियां तो
आगा तो फांटे मुझे आप में से किसी से कोई शिकायत नहीं। आप ही तो कहती हैं ना कि सब नसीब का खेल। मैं उस नसीब लिखने वाले से ना उम्मीद नहीं। अम्मी आप ही ठीक तो कह रही हैं। वाह वाह यहाँ तो बड़ी बातें चल रही हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो चलो फालतू लोग निकलो कमरे से बाहर। अम्मी कह रही है मौलवी साहब निकाह करवाने लिया। तुम लोग तैयारी पकड़ लो। तुझे जो चाहो वो तूने करके दिखाया। भाई यही तो हमारा स्टाइल है। जिस चीज का माइंड बना लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। मौलवी साहब चले निकाह पड़ा। जी जी चले। देख काम में देरी कैसी है। आइए कामरान आप निकाह के लिए जाए। हाँ वो जरूर जाए। तो भाई आ गया टाइम। तेरी कैद का फरमान जारी होने जा रहा है। उठो वहां से। बाजी को बैठने दो। बाजी बैठे आप उठो। मौलवी साहब शुरू करें। आप उठ के यहाँ आ जाए। लड़की के वालदा को वहीं बैठा रहते हैं। अच्छा जाओ बैठो। जी मौलवी साहब निकाह शुरू करें। आपका मेरे ख्याल में 1000 रुपए बहुत होगा। हाँ जी बाजी 1000 रुपए काफी। लेकिन सुनिए ये तो आप कम से कम शरई तकाजा तो पूरा करें। 5000 रुपए रख लें। चलिए ठीक है 5000 रख लें। जी ठीक है 5000 लेते हैं। निकाह शुरू करें। मोहतरमा आयशा बिन शब्बीर आपको कामरान वल्द मंजूर अहमद से सिक्के राजुल वक्त 5000 रुपए हक महर निकाह कबूल है। आपको निकाह कबूल है। सुनानी मौलवी साहब क्या पूछ रहे हैं। ये मुनासिब नहीं आप इन्हीं को जवाब देने दें। अक्सर लड़कियां बाप और भाई के सामने शर्माती हैं। बोलो बेटा आपको ये निकाह कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है। मुबारक मुबारक। थैंक यू राधे। साइन करो। या साइन कर ले। कामरान वल्द मंजूर अहमद आपका निकाह आशा बिनत शब्बीर के साथ तय पाया जा रहा है। बतौर सिक्के राजुल वक्त 5000 रुपए आपको कबूल है। हाँ कबूल है। कबूल है। हाँ कबूल है। आपको कबूल है। ये कबूल। मुबारक हो भाई। मुबारक।
بانجے مبارک ہو. مبارک نہ ہو. دعا کر لو. السلام علیکم عشرت باجی. وعلیکم السلام. السلام علیکم شہزادے. آپ نے جو یہاں پہ مجھے عزت دی اس میں بہت مشکور ہوں. کیسی بات کرتی ہے عشرت؟ عائشہ ہماری بچی ہے اور ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہے گی. اما وہ دیکھیں شرد آنکھ کی فیملی. میرا بازو توڑے گی کیا؟ اما چلے نا, میں بھی ان کو چھاڑوں کی تھیلی دوں. اچھا چل رہی ہوں نا. بیٹا میں کیا کروں, تمہارے پاپا زبردستی کر کے لے کے آئے. اچھا نہیں. السلام علیکم عشرت بہن, کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. بیٹا تم کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آئے نا بیٹھتے ہیں, آرام سے باتیں کرتے ہیں. نہیں نہیں ویسی بہت دیر ہو گئی ہے, ہمیں گھر نکلنا ہے تھوڑی دیر. نہیں ابھی ابھی تو آپ آئے, اب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں, شادی کا ماحول ہے, ایسے کیسے آپ چلے جائیں گے؟ ہاں بیٹا بیٹھو تھوڑی دیر. آئے نا پلیز. آپ سب اچھا ہو رہا ہے؟ جی چلیے چلیے. جی میں چلتی. آوازیں دے رہا ہوں, بہری ہو گئی ہے کیا؟ اب خوشی کے موقع بھی کچھ سنے گی مجھ سے؟ کیا ماتم لگا ہے, کیوں رو رہی ہے؟ ارے شکر کر خدا کا مصیبت سے جان چھٹی ہے, ورنہ ہر جگہ بدنامی بدنامی ہوتی ہماری. میں رو تھوڑی رہی, میری آنکھ میں کچھ پڑ گئی. بس کر, تیری تکلیفیں پوچھنے نہیں آیا. باجی کب سے مٹھائی کا پوچھ رہی ہے؟ میں دیکھ کر آ. رہنے دے, میں خود ہی لے جاتا ہوں, یہ رونی صورت لے کے جائے گی ان کے سامنے. ارے ان کی خوشی کا پاس تو رکھ, ذرا سوچ تو. کھلاتی ہیں پلاتی ہیں, گھر میں رکھتی ہیں, پیسے دیتی ہیں, اور شکر کرو بھگوڑی بیٹی کو اپنا لیا باجی نے. منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہم کہیں. میرا تو دل کر رہا تھا اس کو وہیں جان سے مار دوں. منو سورب آج کے دن بھی ارے کشور تم یاؤ, شبین نے بتایا نہیں میں بلا رہی ہوں. ارے واہ, ماں بیٹی کے صدمے ہی نہیں ختم ہو رہے, وہ وہاں پر سیج پر بیٹھ کے اپنے یار کے لیے رو رہی ہے اور تم یہاں ہر دفعہ. بی بی شکر کرو تمہاری لڑکی پرائی ہو گئی ہے, ورنہ جو بدنامی لے کر وہ آئی ہے نا, اس کو سن کے کوئی تمہارے گھر کا پانی نہ پیتا. پھپھو آپ یہاں ہیں؟ کامران کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. ارے ہاں آ رہی ہوں آ رہی ہوں, میرے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب یہاں تم بیٹھ کے روتی نہ رہنا, جلدی آؤ نیچے. امی آپ رو کیوں رہی ہیں, کیا ہوا؟ مامی کیا ہوگا میری عاشق, یہ لوگ تو جیتے جی مار دیں گے اس. امی اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میرو ہی نہیں نا. نہیں بس چپ کر جائیں. اچھے لگ رہے, ارے ڈر کیوں رہی ہے؟ اب تو میری بیوی اور یہ مہندی اور چوریاں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں.
ये तो अपना स्टाइल है। समझ जाओ मुझे, तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे आए बैठे बैठे भाई। भाई मानूर, अपनी फैमिली के लोगों को बुला लो ना, इतना तो कर ही सकती हो ना तुम। हाँ एक तस्वीर हो जानी चाहिए ना साथ, भाई लगे ये लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। बल्कि किशोर मोहनी आप भी एक काम करें, आ जाएं, घर की शादी है। अच्छा मर्जी है आपकी भाई, एक अच्छी सी तस्वीर हो जाए। क्यों भाई? अरे रुक जाइए, रुकिए रुकिए जी, आप भी आ जाइए। चले भाई तस्वीर ले लीजिए। इनको स्टेज पे क्यों भेज दिया? जो मैं देख रही हूँ ना तो तुम नहीं देख रहे, आज इन सब के अरमान ठंडे हो जाएंगे। अब गाने की बात नहीं है, मैं आपके पप्पू जैसी नहीं हूँ। हाँ बताओ। वो कह रहे थे कि मुझसे आकर जुड़ी हुई बात कर ले। अच्छा चलो आप जाओ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मैं वो पानी पीने आया था। बाय द वे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पीछा, मेरा मतलब मैंने आपको यहाँ आते हुए देखा ना तो मुझे लगा शायद आपको कुछ चाहिए होगा, और वैसे भी आप तो हमारे मेहमान हैं ना। थैंक यू वेरी मच। आप पानी पीजिए। आप जी जी पानी। ओ, आपकी शर्ट का मैं साफ कर दे, मैं साफ। पानी ही तो है, साफ हो जाएगा। आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे इन नए हालात से निमटने के लिए, मुझे तेरी हर कदम पर जरूरत है। Thank you.
हूँ, ये तो नहीं सोच रही कि मैं घूंघट उठा के तुम्हें शादी का तोहफा दूंगा। नहीं आयशा जी, तुम यकीनन गलत उम्मीद लगा रहे। मैंने तो तुमसे शादी से रोकी ताकि मैं उस थप्पड़ का जवाब दे सकूं जो तुमने मुझे मारा था। आप नीचे। और हाँ, मेरे साथ रहने के कुछ उसूल सुन लो। मेरे सामने अपनी जुबान रखे, कभी खोलने की कोशिश मत करना। अगर कभी भी मेरे सामने अपनी जुबान खोली तो मार मार के तुम्हारा हया बिगाड़ दूंगा, समझे? वो तो तुम एहसान मानो मेरा तो मैंने तुम जैसी से शादी कर ली, वरना तुम जैसी लड़की को तुम्हें मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। अब बैठो यार, बुरे बिस्तर पे बैठी रहो, सोना है मुझे। मेरे सर पे मत खड़ी रहो, मुझे सोना है, वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। मिठाई फ्रिज में रख दी थी ना, मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ऐसे तुम्हारी दोस्त मिठाई बहुत अच्छी लाई। अरे मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही, दीवानी हो गई हो क्या? अरे इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अम्मा मुझे ना प्यार हो गया। शर्म करो कुछ। अम्मा आजकल ना शर्म करने वालों को उनकी पसंदीदा चीजें नहीं मिलती। क्या कहा? जाने दे अम्मा, आप नहीं समझेंगी। और ये तुम अहमद से सबके सामने इतना घुलमिल के बातें क्यों कर रही थी? अम्मा प्यार ऐसा ही होता है, बस उसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। हनी अगर तुमने वाकई उस लड़के से शादी करनी है ना, तो मुझे हालात को तुम्हारे हक में सही करने का वक्त तो दो। शब्बीर उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और कामरान अनस के नाम से चिड़ खाता है, और तुम जरा ठंडी होके रहो, इशरत भी कोई आसान गोली नहीं है। आपको जो करना है करें अम्मा, जितना टाइम लेना है ले लें, लेकिन शादी तो मैं सिर्फ अहमद से ही करूंगी। अरे मानू अपनी माँ से ना मरहम तो ला दो दर्द के लिए। सामने कमरे में तो है भुप्पो, आप खुद से जाके ले लें, मेरे हाथ में कपड़े है ना। कितनी बदतमीज लड़की है, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। उठा इसको, चल। होता निकल। होता आओ बेटा। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी मामा। बेटा मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके तुम भाई के साथ साथ रहो, उसका ख्याल रखो। मामा मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ, आप परेशान ना, मैं हूँ उनके साथ, संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। अनस, अनस रुको तो सही बेटा, कहाँ जा रहे हो? मामा प्लीज आप रिलैक्स रहें, मैं देखता हूँ।
और पापा और मामा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिलैक्स रहें। मैं हूँ अनस भाई के साथ, डोंट वरी, आई लव यू। जी संभाल के बेटा, बेटा ख्याल रखना उसका। इशरत आप आके बैठ जाए, आओ चलो, आपको पता है ये रिएक्शन तो आने, बैठे। नहीं शहजाद, अनस पर बहुत बुरा असर पड़ा, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे मालूम है वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। इशरत अपने आप को संभालो, वो बच्चा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अरे कामरान दरवाजा क्यों बंद है, दरवाजा खोलो। अरे तुम्हें कब से जल्दी सोने की आदत हो गई है? अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरी बहू आ गई है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप सोने नहीं देती, शोर मचाना शुरू कर दिए। अरे तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठो मुझे मरहम लगा दो। माँ ख्याल कर दिया करें थोड़ा, घर में बहू आ गई, आप इतनी रात में मरहम लेकर आ गई। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी से मेरी तकलीफ का क्या ताल्लुक, मैं तो आयशा से लगवा रही हूँ, तुमसे नहीं। जो भी करना है जल्दी करें, मुझे सोना है। पहले आयशा मरहम लगाएगी। अच्छा ठीक, दोनों कमरे से निकल, आयशा जाओ अम्मी को जाके मरहम लगाओ। मैं लगा देती हूँ। नहीं भाई, कमरे से निकलो। और हाँ आयशा, अम्मा को उनके कमरे में जाकर मरहम लगाओ। मैं मरहम लगा रही हूँ। अरे अरे दिमाग खराब हो गया, अभी शादी हुई एक रात नहीं गुजरी, बिल्कुल ही बदल गया है। अच्छा मेरी माँ, अब आप दोनों जाएं यहाँ से। आओ भाई। आए हाय अम्मा, ये आयशा को क्यों ले आई यहाँ? जहाँ तुम जैसी औलाद हो ना, वहाँ दो घड़ी सुकून से भी नहीं बैठ सकते। अब क्या हुआ? होना क्या है, दो घड़ी कामरान के कमरे में चली गई, टांगे दर्द कर रही थी, मैंने सोचा आयशा से दबा के अपने कमरे में आके सो जाऊंगी, लेकिन कामरान को तो आज ही नींद आ रही थी, हम दोनों को कमरे से निकाल दिया। अम्मा जो उनकी शादी की रात है, आपको उनके कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए ना कैसे आज की रात भी अपने सास के कमरे में है। जाओ जाओ आयशा, कामरान के कमरे में। बेशर्मी वाली बातें कर रही है। नहीं पप्पो, मैं मरहम लगा देती हूँ। हाँ बेटा लगा दो, लगा के चली जाना अपने शौहर के कमरे में। आए क्यों हंसे जा रही है, दिमाग खराब हो गया है? अम्मा कसम से इसकी हालत पे ना मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जो काम कर रही हो ना चुपचाप करो, ये लड़की जरा जोर से दबा। जी हमारी शादी में तो गोल गोल घूम के थक गई हूँ मैं, कमर भी दर्द कर रही है, जरा जान के साथ, बहुत दर्द है पैरों में। जी जान लगा के जरा, और जोर से। सो जा, जोर से दबा। Thank you.
और भाभी को हमने मायू के जोड़े में दरवाजे पे खड़े हुए देखा।